प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र सारंगपुर में जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर बड़े ही धूमधाम के साथ में रीति रिवाज के साथ में आध्यात्मिक तौर से मनाया गया। सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण राधा की बाल मनोहारी चैतन्य झांकी लगाकर महाआरती की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्म कुमारीज द्वारा नगर के पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी भाग्य लक्ष्मी दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज को जीवन मूल्यों की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव है। इस हेतु पत्रकारिता एक बहुत सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं और मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता निस्वार्थ सेवा का सशक्त माध्यम है। दीदी ने सभी पत्रकार बंधुओं को तिलक पुष्प और पट्टिका पहना कर ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही रक्षा सूत्र भी बांधे। ब्रह्म कुमारी प्रीति बहन ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व समझाकर श्री कृष्ण के गुणों को जीवन में लाने पर बल दिया। पूर्व विधायक गौतम जी टेटवाल ने संस्था द्वारा विश्व स्तर पर किए जा रहे सेवा कार्यों को सबके समक्ष रखा। कार्यक्रम का कुशल संचालन ब्रह्म कुमार नीरज भाई ने किया। इस अवसर पर जनमानस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संस्था द्वारा लगाई गई चैतन्य झांकी के दर्शन किए और प्रसादी प्राप्त की। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान किया गया। पत्रकार बंधुओं ने कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं अर्पित की और कुमारी अर्पिता ने सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया, जहाँ पर भ्राता धर्मेंद्र वर्मा जी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सारंगपुर से दिलीप जाधव की रिपोर्ट।